हेलो एंड वेलकम बैक टू वॉन्डरिंग सोम। आज 26 जनवरी सुबह सुबह आई एम ऑन माय वे टू नोएडा। अब सवाल है सुबह सुबह नोएडा जा क्यों रहा था ठंड में। तो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आई एम प्लानिंग फॉर माय नेक्स्ट राइड और उसी के सिलसिले में मैं नोएडा जा रहा हूँ। तो जाने का प्लान जो था वो तो सोलो था, बट दोस्त लोगों ने छोड़ा नहीं, कहा नहीं हम भी साथ चलेंगे, आप ऐसे कैसे सोलो चले जाओगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो। अब उसके बाद क्या हुआ, एक दोस्त जुड़ा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। यूँ करते करते अब हम लोग 8 जने हो चुके हैं एंड दिस टाइम वी विल बी गोइंग टू मुंशियारी। सो अगले महीने, अभी टाइम है, वी आर नॉट गोइंग राइट नाउ, सो अगले महीने वी आर गोइंग टू मुंशियारी। 2 हफ्ते हैं राइड के लिए, मगर वहाँ पर काफ़ी ठंड है। इट्स नॉट एग्जैक्टली गोइंग टू बी अ विंटर राइड, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ सेमी विंटर, बिकॉज वहाँ पर अच्छी खासी स्नो है। एंड एज आई चेक ओवर देयर फरवरी के महीने में, इनफैक्ट मिड फरवरी के टाइम पे भी वहाँ पर स्नोफॉल यूजली इट हैपन्स ओवर देयर एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड एज वेल दिस ईयर। तो सब जीरो टेम्परेचर में हम जाने वाले हैं, राइड करने वाले हैं। वहाँ पर आई थिंक उस टाइम पे -5 डिग्रीज के करीब रहेगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ 5-day टूर एंड लाइक ऑलवेज, या जिससे मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि अगर ग्रुप के साथ जा रहा हूँ या ग्रुप को लेके जा रहा हूँ, आई काइंड ऑफ ब्रीफ देम व्हाट ऑल प्रिपरेशन दैट नीड्स टू बी डन एंड देन गो। यू नो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि थोड़ा सा टाइम पहले लगा के प्रिपेयर कर लो, इंस्टेड ऑफ वहाँ पहुँच के या जर्नी में जाके फिर आप सोचो ओ शिट ये नहीं है, ये नहीं किया, ये प्रॉब्लम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट देन नो प्रिपरेशन इज़ लाइक 100%, बट जहाँ तक आप कर सकते हो करना ज़रूरी है। ऑन दैट नोट, मुझे कुछ टाइम पहले किसी ने पूछा था कि ऐसे लॉन्ग राइड्स के लिए व्हाट ऑल प्रिपरेशंस वन शुड डू। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ट्रिप एंड शो यू व्हाट ऑल स्टफ दैट यू नीड टू कैरी। कुछ होते हैं ऑप्शनल, कुछ होता है मैंडेटरी। तो मैं पूरा का पूरा एक आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। इस वाले वीडियो में तो नहीं, आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा मैं उस पर बता दूंगा व्हाट ऑल स्टफ आई एम कैरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रिप। और सर्दियों वाला ट्रिप होगा तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा। सेम चीज़ अगर आप गर्मी में करेंगे तो द ओनली डिफरेंस इज गोइंग टू बी द वुलेंस, या जो गर्म कपड़े जो हैं दैट विल बी द डिफरेंस, मतलब वो नहीं होंगे गर्म गर्मियों के दिनों में। तो चलते हैं, लेट्स मीट यू ऑन द अदर साइड। एंड आपने एक चीज़ जाते थे एक चीज़ नोटिस कर ही लिया होगा, मेरा जो विंडशील्ड है मैंने उसके ऊपर से जो विंडशील्ड एक्सटेंडर है, आप लोगों ने रेकमेंड करा, आप से काफ़ी लोगों ने रेकमेंड करा कि आई शुड ट्राई इट विदाउट द एक्सटेंडर ऑल्सो। तो मैंने सोचा इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या होगा कि इसको आज ही मैं ट्राई कर लेता हूँ, अगर ठीक रहा तो अच्छी बात है, नहीं रहा था आई पुट इट बैक बिफोर माई राइड। चलाओ, कितने सारे फ्लैग्स। वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों, इतने सारे लोगों ने रेकमेंड किया, शेयर योर सजेशन रिगार्डिंग द टायर, तो थैंक यू सो वेरी मच। अभी ना आप लोगों ने मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, मुझे लगता था कि मैंने यू नो आई वाज श्योर कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, बट अब लगता है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, शायद हैं, तो देखते हैं। मेरा भारत महान, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, हम 26 जनवरी के दिन या 15 अगस्त के दिन ऐसे फ्लैग लेते हैं, अपने गाड़ियों में लगाते हैं, बाइक्स में लगाते हैं, या फिर घरों पे लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसका, मतलब उसका अगले दिन उसका क्या करते हैं, वे डू वी कीप इट और व्हाट डू वी डू विद दैट फ्लैग। आज कितने दिनों बाद थोड़ा सा सनी डे है, कड़कती धूप नहीं है, बट पिछले हफ्ते भर से दिल्ली में इट इज़ ऑल बीन क्लाउडी एंड बारिश भी हो रही थी हल्की फुल्की,
तो अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सा सनी है, ठंड शायद कल जैसे कल के मुकाबले में थोड़ा सा कम है, अच्छा है। इट्स अ परफेक्ट वेदर फॉर राइडिंग, मज़ा आ रहा है। और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रेंडेवू पॉइंट पे, और सामने ये है महामाया, और अभी तक कोई आया लग नहीं रहा है कि कोई पहुंचा है अभी तक यहाँ पर। और ये भाई साहब अपना कैमरा ऑन करके क्यों खड़े हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शलभ आ चुका है? इट सीम्स दैट शलभ नहीं है भाई। अबे ये तो आशीष है, अरे आशीष भैया जल्दी आ गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई आए ना आए, एक बंदा तो यहाँ पहुंच ही जाएगा। कैसन बा, कैसे हो? अबे कैसे हो पूछ रहा हूँ। मोटे मोटे क्यों हो गए हो? मोटे क्यों हो रहे हो? खूब खा रहा हूँ। तो अभी हम रचित के साथ कोई सेक्टर 135 पे कोई जगह है, सो वी शैल गो देयर। तो सभी आ चुके हैं, लेट अस सी गो। This is nice. खेत खलियानों के बीच में से जाते हुए बड़ा मजेदार है। Good, good, good. I like it already. This is a nice ride. Yo, yow. This is cool, man. This is cool. I like it. Flywheel Cafe. Very good. अरे यहाँ तो क्रिकेट का मैदान भी है। This is cool. This is very nice. यार क्रिकेट मैच देखते देखते ब्रेकफास्ट करेंगे, सारा कुछ करेंगे। How excited are you? I'm very good. I'm very excited to ride with you. अच्छा। The team. Okay. तो अभी मतलब कुछ शो हो रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा? I don't know actually कि क्या होने वाला है, but yeah, adventures तो definitely होने वाला है। पहले ride किया? नहीं। मैंने भी नहीं किया। But I specialize in pillioning. So, about the ride, upcoming ride. Great, looking forward to it. I am hoping it will be a little longer than the what's being planned right now. And I hope to see some snow. Ashish bhaiya. Haan ji bhaiya. Upcoming ride. Upcoming ride, Munsiyari. Thand bahut hogi. Ho sakta hai snowfall mil jaye. Aur maza aa jayega. अगर ऑफ रोड और स्नोफॉल मिल जाए तो। एनी स्पेशल प्रिपरेशन दैट यू आर डूइंग फॉर द राइड? वी आर प्लानिंग टू गेट स्नो चेन्स देखेंगे। स्नो चेन्स मिल जाएगा पर, और गर्म कपड़े
बस ग्रुप के लिए कोई आपके साथ दो नए राइडर्स होंगे तो एनीथिंग दैट यू वुड लाइक एनी कोई टिप सजेशन उनके लिए बस साथ में रहना ग्रुप के बीच में रहना इधर उधर मत होना Maintain the discipline. Maintain the discipline. लेकिन इस बार डॉक्टर साहब लीड करेंगे डॉक्टर साहब पिछली बार आपने पानी पत्थर सब कुछ क्रॉस किया दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी स्नो मतलब क्या पूछ रहे हो मतलब एक नई जगह गिरने की या फिर डरा रहे हो हम नहीं डरने वाले कब नहीं डरने वाले हाँ जी सर बताओ क्या कह रहे हो क्या पूछना चाह रहे हो आप बताओ ट्रिप के बारे में क्या बोलना चाहते हो लिटिल एक्साइटेड देखते हैं क्योंकि मुंशियारी नाम बहुत सुना है जगह कैसी जाके पता लगेगा कोई खास प्रिपरेशन जो आप कर रहे हो या आप करना चाहोगे नथिंग नथिंग ऐसा कुछ नहीं है बाइक तैयार है आपकी बाइक एकदम तैयार है टायर अभी कल ही चेंज कराया मैंने अरे कौन सा टायर लगाया आपने मैंने लगाया है अपोलो 120 देखो फिर बताना 120 के 130 है मैं बताता नहीं तो आपको पता नहीं लगता 130 है तो आगे पीछे दोनों अपोलो कर लिया नहीं अगला वाला अपना वही लगा हुआ है कौन सा था पहले टिम्सन हाँ अगला वाला टिम्सन ही है और पीछे वाला मैंने चेंज करा दिया अपोलो पीछे बिल्कुल घिस गया था तो मैंने कहा चेंज करा लो जाने से पहले कल ही चेंज कराया चलो अब देखो टायर कैसा एंड ऑल सेट फॉर मुंशियारी देन या 100% So after a beautiful session with all my friends, बड़े दिनों बाद फिर से बैठे Now it's time to head back home. बहुत अच्छा लगा और बहुत ही बेहतरीन सा लोकेशन है जहाँ पर अभी हम आए थे खेत खलियानों के बीच में अवे फ्रॉम द मैडनेस ऑफ द सिटी ये रूट सीधा जा सकते हैं बराज के साइड से चलते रहेंगे ओके बाय बाय हम इसी रूट से निकलेंगे तो आज एक नए रूट से लेके चलते हैं आपको तो ये इस साइड इज यमुना समवेयर दिस साइड और इसको बराज वाला रूट भी बोलते हैं ये बेसिकली ये रूट जो बनाया गया था या ये जो रोड जो बनाया गया था दिस इज़ द एलिवेटेड वन ताकि इसका अपना यमुना का पानी जो है इस तरफ ना आए ड्यूरिंग फ्लड एंड स्टफ लाइक दैट तो अपरेंटली उस चीज़ के लिए बनाया गया था वंस अपॉन अ टाइम तो आज का वीडियो यहीं तक आपको पता चल ही गया है हम लोग कहाँ जाने वाले हैं हम लोग कौन कौन जाने वाले हैं वैसे आज दो राइडर्स हमारे साथ नहीं थे एक फर्स्ट टाइम राइडर माय फ्रेंड फेलो रेस्टोरेंटो उमा एंड अनदर जेंटलमैन बाय द नेम हितेश इज अ फैबुलस राइडर ही वाज विद अस व्हेन वी डिड कसौल उसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारी राइडिंग करी है और रिसेंटली उन्होंने एक इंटरसेप्टर भी लिया है MAF 2 तो वो भी हमारे साथ जाएंगे सो वी आर गोइंग टू बी 7 बाइक्स एंड 8 ट्रैवलर्स तो फिर आज का मैं यहीं रैप अप करता हूँ इफ़ यू आर ऑन माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल क्लिक ऑन टू द सब्सक्राइब बटन विच इज डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन टू द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेन आई पोस्ट माई नेक्स्ट वीडियो एंड यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टा हैंडल विच इज वॉन्डरिंग अंडरस्कोर सोम or my Facebook, which is Wandering Soul. So till we meet again with yet another video, you guys be safe, take precautions, wear your mask, keep your hand clean,
and ride safely. Bye.